Good morning students, we are doing plant kingdom in class 11th biology. In this chapter we are doing the gymnosperms now, and today we will discuss the life cycle of gymnosperms, or we can say how the reproduction occur in gymnosperms. हमें पता है gymnosperms के ऊपर flower नहीं लगते, और gymnosperm जो हैं इनके seeds naked होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और उनके सीड ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं. तो जो फिर जिम्नोस्पर्म के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, इनके ऊपर जो है कोन्स लगे हुए होते हैं, ये वुडी कोन दिखाए हुए हैं, और एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावर होते हैं जिनके थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. तो दोनों में अलग अलग मेथड है. पहले हम जिम्नोस्पर्म का स्टडी करेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके ऊपर अलग अलग तरह के ये कोन्स लगे हुए होते हैं. ये फीमेल कोन हैं जो थोड़े वुडी टाइप में होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं. सीड कोन भी कहा जाता है इनको, क्योंकि इनके ऊपर सीड ग्रो करते हैं. और दूसरे होते हैं पोलन कोन्स या मेल कोन कहा जाता है जिनको. ये सॉफ्ट होते हैं, इनके ऊपर जो है स्पोर लगते हैं, यानी कि जो मेल गैमीट्स हैं वो बनते हैं. सबसे पहले मेल कोन्स की बात कर लेते हैं. ये मेल कोन की स्पोरोफिटिक जनरेशन है, मींस इस तरह के कोन के ऊपर स्पोर्स लगते हैं. ये छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं इसके ऊपर, वो स्पोर्स हैं. ये स्पोर जब यहाँ से जाकर गिरते हैं, सबसे पहले तो इन कोन के अंदर जो स्पोर मदर सेल है उस वो डिप्लोइड है, उसके अंदर मियोसिस होती है और हैप्लोइड माइक्रोस्पोर बनते हैं. हैप्लोइड और डिप्लोइड का मतलब आपको पता है. डिप्लोइड मतलब जिसमें दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग के केस में आपने पढ़ रखा है. तो इस तरह से इनमें भी जो मदर सेल है वो डिप्लोइड होती है, उसमें म्यूसिस के बाद माइक्रोस्पोर बनता है, और ये माइक्रोस्पोर जो है ये बाद में जाके मेल गैमिटोफाइट बनता है. मेल गैमिटोफाइट यानी कि प्लांट बॉडी बननी स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले पोलन बनता है. पोलन इज मेल गैमिटोफाइट. तो स्पोर से किस तरह से पोलन बना, ये कोन के थ्रू. इसी तरह जो फीमेल कोन है, फीमेल कोन के ऊपर सीड्स लगते हैं. इन हमें पता है जो फीमेल कोन के ये स्केली लीव्स हैं ऊपर छोटे, ये जो वुडी कोन के ऊपर छोटे छोटे स्केल से बने हुए हैं स्केली लीव्स हैं, इनके ऊपर जो है अगर एक स्केली लीव को निकाल के देखा जाए तो इसके ऊपर ओव्यूल होते हैं. ठीक है, ओव्यूल के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिप्लोइड है, इसके अंदर मियोसिस होगा मेगास्पोर मदर सेल के अंदर, और मियोसिस के बाद जो है मेगास्पोर मदर सेल से चार मेगास्पोर बनेंगे, जैसे मेल के केस में माइक्रोस्पोर बने थे, यहाँ पर मेगास्पोर बनेंगे. इस तरह से ये चार मेगास्पोर बन जाते हैं, बाकी तीन डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर रहता है. फिर इस मेगास्पोर के अंदर डिवीज़न होती है, एक से दो सेल बनती हैं, डिवीज़न माइटोसिस के थ्रू होती है. इस बार जो ये दो सेल बन जाती हैं, फिर ये पूरा कंप्लीट बन जाता है मेल गैमिटोफाइट. इन दो सेल में से एक तो है एग सेल, और जो दूसरी सेल है वो होती है एंडोस्पर्म मदर सेल. एंडोस्पर्म मदर सेल जो एग को न्यूट्रिशन देती है, जो अंदर एग डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. तो इस तरह से ये फीमेल गैमिटोफाइट बन गया. अब जो मेल और फीमेल गैमिटोफाइट हैं उनके बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. मेल गैमिटोफाइट हमने देखा था कि पोलन बन जाते थे, और फीमेल गैमिटोफाइट यहाँ पे एग बन चुका है. अब इन दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी. पोलन ग्रेन जो हैं वो आते हैं डायरेक्ट एग की तरफ, और एग के अंदर अपना मेल न्यूक्लियस रिलीज़ कर देते हैं. मेल न्यूक्लियस का मतलब इसको स्पर्म भी बोल सकते हैं, तो प्लांट के केस में स्पर्म वर्ड यूज़ नहीं करते, मेल न्यूक्लियस कह देते हैं. तो ये पोलन ग्रेन आके फर्टिलाइजेशन करता है एग के साथ, जाइगोट बनता है इनकी फर्टिलाइजेशन के बाद. अब जाइगोट के चारों तरफ एंडोस्पर्म प्रेजेंट है जो इसको न्यूट्रिशन देता रहेगा इसकी ग्रोथ के लिए. जाइगोट डिप्लोइड है और एंडोस्पर्म हैप्लोइड है. जाइगोट डिप्लोइड क्यों है, क्योंकि एग और स्पर्म ऐड होके डिप्लोइड हो गए हैं. अब आगे जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, एंडोस्पर्म बनता है, आगे सीड के ऊपर ही हो रहा है ये सारी प्रोसेस, सीड के अंदर हो रही है.
अब ये सीड, हमें पता है ये पूरा का पूरा जो है सीड कहाँ पर लगा हुआ है, स्केली लीव्स के ऊपर, जो ये वुडी कोन के ऊपर स्केली लीव्स हैं। और जब यहाँ से ये सीड गिरता है नीचे जाके कहीं पे ज़मीन पे, वहाँ पे नया प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है और नए ट्रीज़ बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस इन जिम्नोस्पर्म्स।